सैमसंग की किसी भी स्मार्ट एलईडी टीवी में या कि किसी भी साइज़ की एलईडी में आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को किस तरह से आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप अपने स्मार्टफोन की आप ऊपर से स्क्रॉल करेंगे तो वहां से आपको कास्ट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप उसको प्रेस करेंगे दोस्तों तो जो आपका एलईडी का मॉडल नंबर होगा आपके फ़ोन के अंदर शो हो जाएगा। शो होने के बाद फिर आप सिंपली उस मॉडल नंबर पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपके जो एलईडी स्क्रीन होगी दोस्तों आपको वहाँ पे एक पॉपअप नज़र आएगा, वहाँ पे आपको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आपकी जो फ़ोन की डिस्प्ले होगी वो डायरेक्टली आपकी एलईडी टीवी के ऊपर आपका शो हो जाएगा दोस्तों। यानी कि आपकी 5.5 इंच की स्क्रीन आप अपनी 32, 43, 55, 50 इंचीज एनी साइज़ के ऊपर आप डायरेक्टली आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों सैमसंग टीवी के किसी भी मॉडल यानी कि कोई भी एलईडी है आपकी सैमसंग की, उसमें आपको एलईडी टीवी के किसी भी सेटिंग के अंदर नहीं जाना है आपको स्क्रीन शेयर करने के लिए। अदरवाइज आप किसी और ब्रांड का एलईडी लेते हैं तो उसके अंदर आपको सेटिंग में जाके सबसे पहले ऑन करना होता है। आज हम बात करेंगे सैमसंग के अल्ट्रा एचडी 4K एलईडी टीवी की, जो कि रहेगा 55 इंच का और इसका मॉडल नंबर रहेगा दोस्तों AU7600। ये 4K एलईडी टीवी रहेगा, यानी कि जैसे पहले एलईडी आते थे एचडी फिर फुल एचडी, अब आते हैं 4K एलईडी टीवी जो फुल एचडी का 4 टाइम बेटर क्वालिटी होगी, यानी कि 2160 पिक्सल्स के अंदर आपका आता है 4K एलईडी टीवी, जो कि आप कितने भी नज़दीक से देखेंगे तो इसके पिक्सल्स ब्रेक नहीं होंगे और डिटेलिंग आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाती है दोस्तों जो 4K एलईडी टीवी होता है दोस्तों। इसके अंदर आपको अल्ट्रा एचडी के साथ साथ प्योर कलर मिलेंगे, इसके अंदर मल्टीपल वॉइस असिस्टेंट मिलेगा, इसके अंदर आपको पीसी कनेक्टिविटी मिलेगी। फीचर्स के साथ साथ हम बात करेंगे कि न्यू टीवी को आप कैसे सेटअप कर सकते हैं खुद ही, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक ताकि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी, उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सेटअप करेंगे न्यू एलईडी टीवी का, यानी कि दोस्तों आपको अगर न्यू एलईडी परचेज करें और आप उसका सेटअप करना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारे फीचर्स बताने वाला हूं दोस्तों। इसके साथ में एक रिमोट मिल जाएगा दोस्तों, सबसे पहले हमें रिमोट के बारे में मालूम होना चाहिए तभी हम अपने टीवी को पूरा सेटअप कर पाएंगे। ये जो रेड वाला बटन रहेगा दोस्तों ये पावर ऑन का बटन रहेगा, बीच में जो माइक वाला रहेगा दोस्तों वॉइस कमांड का रहेगा, अगर साइड में देखेंगे दोस्तों तो वॉइस असिस्टेंट का भी रहेगा, बैक बटन रहेगा, होम बटन रहेगा, ये वॉल्यूम का रहेगा, ये अप एंड डाउन का रहेगा दोस्तों। ये हॉट कीज मिल जाएंगे इस प्रोडक्ट के अंदर दोस्तों आपको। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट को, तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये यूजर इंटरफेस मिलेगा, क्लिक करेंगे हम दोस्तों, इसमें आपको दो ऑप्शन आएंगे, यानी कि आप स्मार्टफोन की तरह इसको सेटअप करना चाहते हैं या रिमोट के थ्रू, तो आप रिमोट के थ्रू सेटअप कर सकते हैं दोस्तों। तो आप रिमोट के थ्रू पे आप क्लिक करिए दोस्तों, रिमोट पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको अपनी कंट्री चूज करनी है तो एशिया एंड यूरोप ही रहने दीजिए, ये यहाँ से हम सेटअप स्टार्ट कर लेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको यूजर इंटरफेस के अंदर 4 HDMI का ऑप्शन आएगा, यानी कि आपने कोई कनेक्टिविटी दे रखी है तो उस कनेक्टिविटी के लिए जो भी HDMI उस पर क्लिक करके आप सेटअप कर सकते हैं। अदरवाइज कनेक्ट नहीं है तो स्टार्टअप पे करेंगे, ओके प्रेस करेंगे दोस्तों, तो आपको जो यूजर इंटरफेस आएगा ये मांगेगा वाईफाई कनेक्टिविटी, यानी कि एलईडी टीवी के अंदर आप वाईफाई कनेक्टिविटी देना चाहते हैं तो आप कनेक्टिविटी भी दे सकते हैं, अदरवाइज इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, यानी कि बाद में हम इसे कनेक्ट कर लेंगे, तो अभी आप फिलहाल स्किप कर दीजिए। तो आपको जो इससे एक्सपीरियंस मिलेगा दोस्तों कलर डिटेलिंग का बहुत ही अच्छा मिलेगा यहाँ आपको, क्योंकि ये जो टीवी रहेगा RGB रेड ब्लू ग्रीन के अंदर इसमें कलर डिटेलिंग मिलेगी आपको, ये जो पैनल है क्वालिटी बहुत ही एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा दोस्तों। अब हम इस टीवी का करेंगे दोस्तों पूरा सेटअप। सेटअप करने के लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए होगा इसमें वाईफाई कनेक्टिविटी देनी होगी, उसके लिए हमें इसके सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों हमें इसका जो वाईफाई होगा, अब हमारे जो घर पे वाईफाई लगा हुआ होगा उसे हमें कनेक्ट करना है, तो जो भी हमारा वायरलेस कनेक्शन होगा उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपना पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालने के बाद में सिंपली आप बैक का बटन आपको प्रेस करना है, बैक बटन प्रेस करते ही आपका जो कनेक्शन होगा कनेक्टेड हो जाएगा और एक सिग्नल भी आ जाएगी आपका प्रोडक्ट कनेक्ट हो चुका है वाईफाई से। देन उसके बाद आपको सेटअप पे क्लिक करना है दोस्तों, क्योंकि हमें पूरा यूजर इंटरफेस चाहिए, क्योंकि आपका जो एलईडी है ये स्मार्ट टीवी है तो इसमें सारे फीचर्स आएंगे ये सेटअप करने के बाद ही। जैसे ही हम क्लिक करेंगे दोस्तों तो अभी इसमें डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई, हमें इसमें आपको टर्म एंड यानी कि एग्री करना है आपको टर्म एंड कंडीशन में। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे सेकंड ऑप्शन आपको ये आ जाएगा कि आपने कोई अगर सैमसंग में अकाउंट ऑलरेडी बना रखा है तो आप उसके थ्रू भी आप इसे चालू कर सकते हैं, न्यू बना सकते हैं आप अकाउंट, या स्किप कर सकते हैं कि अगर आपको अभी अकाउंट नहीं बनाना है तो स्किप कर सकते हैं दोस्तों। जैसे ही आप स्किप करेंगे तो इसके अंदर आपको 3 गेटवे ऑफ चालू करने के लिए, यानी कि इस टीवी के अंदर आपको बिक्सबी मिल जाएगी, अमेजोन मिल जाएगा, अमेजोन एलेक्सा के थ्रू आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं और गूगल असिस्टेंट मिल जाएगा दोस्तों, यानी कि इसमें आपको
थ्री टाइप के वॉइस असिस्टेंट मिल जाएंगे, बिक्सबी के थ्रू, अमेजोन के थ्रू, अमेजोन अलेक्सा के थ्रू और गूगल असिस्टेंट के थ्रू। ये दोस्तों अदर किसी के अंदर नहीं मिलेगा, ये ओनली आपको सैमसंग के अंदर मिलेगा। ये आप जो चाहें उससे आप कनेक्ट करके इसको चालू कर सकते हैं, आपका टीवी उसी से पेयर्ड हो जाएगा। अगर आपको कनेक्ट नहीं करना है अभी तो सिंपली आप इसको, इस ऑप्शन को भी आप स्किप कर सकते हैं दोस्तों। और इन कनेक्टिविटी के थ्रू आपका जो एलईडी टीवी होगा दोस्तों वो इजी टू यूज़ बन जाता है, यानी कि इजी टू यूज़, आप जिससे भी आप जो भी कमांड देंगे आपको वो टीवी फुलफिल करके दे देगा, या आप स्किप कर सकते हैं दोस्तों। साथ में हम अगला प्रोसेस इसके अंदर देखते हैं, तो ये आपको ऐड करने के लिए बोल रहा है कि आप अमेजोन को भी ऐड कर सकते हैं होम स्क्रीन पर, क्योंकि ये स्मार्ट एलईडी टीवी है तो इसके अंदर आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे, सारे के सारे आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म मिलने वाले हैं इसके अंदर आपको। तो सिंपली आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए और जो सेटअप होगा दोस्तों वो पूरा सेटअप अब आपका टीवी का हो चुका है। सेटअप के बाद दोस्तों आपको एलईडी टीवी का यूजर इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने के मिलेगा। इसके बाद अब हम देखते हैं इसमें फीचर्स की बात करते हैं, तो फीचर्स में आप देखेंगे दोस्तों तो इसमें पिक्चर मोड की सबसे पहले हम बात करते हैं। पिक्चर मोड में आपको 3 से 4 तरह के पिक्चर मोड भी मिल जाएंगे, जैसे स्टैंडर्ड, मूवी, नेचुरल और सबसे अच्छा जो होता है दोस्तों वो होता है डायनेमिक। बात करते हैं इसमें साउंड मोड की, तो साउंड मोड में भी आपको 3-4 मोड मिल जाते हैं। नॉर्मली आप स्टैंडर्ड रख सकते हैं, एम्पलीफायर रख सकते हैं जो कि नॉर्मल साउंड को इनहेंस कर देता है, तो आप इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं। सोर्स की बात करते हैं, इसमें पीसी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, इसमें आप अपने जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह के आप स्क्रीन को आप इसके अंदर भी आप शेयर कर सकते हैं। साथ में आप देखेंगे तो रिमोट की गाइड मिल जाएगा इसके अंदर, यानी कि आपको रिमोट किस तरह से ऑपरेट करना है वो भी इसके अंदर ऑप्शन मिलेगा। कंटेंट कनेक्शन गाइड मिल जाएगा, यानी कि आपको इस टीवी को पूरा सेटअप कैसे करना है आपको इसके अंदर वो भी ऑप्शन मिल जाएगा। यानी कि ये बेनिफिट इस तरह से मिलेगा, कोई एलईडी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप इसके थ्रू उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। साथ ही हम देखते हैं तो इसमें हमें एप्लीकेशन स्टोर मिल जाएगा, यानी कि ये स्मार्ट टीवी के अंदर जो सैमसंग होता है टाइजीन वर्जन के अंदर आता है, इसके अंदर भी ढेर सारी आपको एप्लीकेशन मिल जाते हैं। इसके एप्लीकेशन स्टोर पर आप जो चाहें वो एप्लीकेशन इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि आपका टीवी जो हो जाएगा दोस्तों वो इजी टू यूज हो जाएगा। उसके लिए आपको अपना एक सैमसंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसमें जैसे ही आप लॉग इन करेंगे उसके बाद ही आप कोई भी एप्लीकेशन इसके अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि इसमें साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, तो जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन आपकी डाउनलोड हो जाएगी जैसे आप डाउनलोड करेंगे, और इसमें आपको सारी यूजफुल एप्लीकेशन मिल जाएंगी इस टीवी के अंदर। एग्जिट के बाद हम देखते हैं तो इसमें और भी एप्लीकेशन, तो आपको स्मार्ट टीवी सैमसंग का जो टीवी प्लस का ऑप्शन मिलेगा, इसके अंदर आपको 65 चैनल आपको लाइव मिल जाएंगे, यानी कि सिर्फ आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी देनी है और ये चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, यानी कि इसको, इन चैनलों को देखने के लिए आपको कोई भी अलग से पेमेंट नहीं करनी है दोस्तों। ये सैमसंग का खुद का फीचर्स रहेगा दोस्तों। जैसे कि सामने चल भी रहे हैं तो कंटेंट गाइड के अंदर हम देखते हैं तो इसके अंदर हमें ढेर सारे एप्लीकेशन, इसके अंदर ढेर सारे आपको टीवी चैनल मिल जाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं सैमसंग की तरफ से। साथ ही हम देखते हैं तो इसमें हमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, एप्पल टीवी, साथ में हम देखते हैं तो जियो सिनेमा, यानी कि इसमें आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म आपको सारे मिल जाते हैं दोस्तों, जो हमें, जैसे कि हम बात करते हैं कि एंड्रॉयड टीवी के अंदर वो सारे फंक्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं। साथ में हम देखते हैं तो दोस्तों इसके अंदर हमें जो मिल जाता है सैमसंग एक्सपीरियंस प्लस, यानी कि इसके अंदर भी आपको अच्छा मिल जाएगा, इंटरनेट इसके अंदर आप चला सकते हैं। वॉइस असिस्टेंट के बारे में हमने बात करी थी दोस्तों कि इसमें आपको 3 तरह से आप इस टीवी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि बिक्स भी मैंने आपको बताया था, अमेजोन अलेक्सा के थ्रू आप कर सकते हैं और गूगल असिस्टेंट के थ्रू आप कर सकते हैं दोस्तों। साथ में हम देखते हैं तो इस टीवी में आपको एक बेनिफिट और बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा आपको, यानी कि इस टीवी के अंदर आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी, यानी कि अगर आप कोई वायरलेस स्पीकर या फिर आप जो भी आप जैसे कि यूज़ करते हैं घर में, आप कोई एयरबड्स हैं या फिर आपका नेक बैंड है, आप उसको भी इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आप कोई मूवी नाइट में चला रहे हैं घर में, कोई भी हैं जैसे कि मम्मी हैं या पापा हैं, वो उन्हें डिस्टर्बेंस ना हो, तो आप अपने नेक बैंड को या फिर अपने हेडफोन को इसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने के बाद इसका साउंड आपका जो वायरलेस, जो भी आपका वायरलेस कनेक्शन होगा उसके अंदर आपका पेयर हो जाएगा दोस्तों। साथ में हम देखते हैं तो इस टीवी के अंदर एक बेनिफिट और मिलेगा आपको, टीवी डिवाइस केयर इसके अंदर, यानी कि टीवी के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो आप खुद भी इसके अंदर आप टेस्ट कर सकते हैं, खुद भी आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि अभी मैंने चेक किया तो हमारा एलईडी टीवी गुड कंडीशन के अंदर है, इसमें सेल्फ डायग्नोसिस मिल जाएगा, यानी कि कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आपको इस फीचर्स के अंदर आने के बाद आपको सारी चीज़ों का पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है एलईडी के अंदर। साथ में हम देखते हैं तो दोस्तों हमारे टीवी के अंदर आप परेशान ना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है सिंपली आप टीवी को रीसेट कर दो तो आपकी सेटिंग्स जैसे कि पहले थी जब हम नया टीवी परचेज करते हैं सेम सारी उस तरह की हो जाएंगी। तो उसके लिए आप सबसे पहले इसकी सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद जनरल में जाएंगे,
जनरल में जाने के बाद सबसे नीचे की तरफ आप आएंगे तो दोस्तों आपको रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप सिंपल इस टीवी को फैक्ट्री रीसेट कर दीजिए, तो जैसे कि आपका पहला स्टार्टिंग में टीवी था तो सेम आपको वैसे ही टीवी मिल जाएगा। और हम इस टीवी का मॉडल हम अगर हम देखना चाहते हैं तो इसके डिवाइस में इसका नाम भी हम चेक कर सकते हैं दोस्तों। साथ में हम देखते हैं तो इसमें जो कंटेंट गाइड का सबसे अच्छा ऑप्शन मिलता है, जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे नीचे को अपने रिमोट को यूनिवर्सल रिमोट के थ्रू, तो जो भी लेटेस्ट यानी कि जैसे आप अमेजॉन प्राइम यूज़ करते हैं, नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं, उसमें जो लेटेस्ट कंटेंट गाइड होगा यानी कि जो लेटेस्ट वीडियो आई हुई होगी वो आपको डायरेक्टली शो हो जाएगी दोस्तों। ये बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि सजेस्ट रहेगा एक तरह से कि ये नया है, टॉपअप मिल जाएगा आपको, आपके लिए इजी टू यूज़ हो जाता है। ये एलईडी टीवी ब्रेजललेस टीवी है, यानी कि थ्री साइड से आपको एकदम ब्रेजललेस टीवी मिलेगा। हल्का सा ब्रेजल मिलेगा भी तो आपको नीचे की तरफ मिलेगा ब्रेजल। ब्रेजललेस टीवी का बेनिफिट ये हो जाता है कि जो भी आप इसके अंदर कंटेंट देख रहे हैं उसमें आपको फ्रेमलेस मिल जाती है और आपको मैक्सिमम व्यू मिल जाती है, जो कंटेंट रहेगा आपको बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसमें इसकी पिक्चर क्वालिटी की, तो पिक्चर क्वालिटी भी आपको बहुत ही प्रीमियम मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको कलर डिटेलिंग बहुत ही अच्छी मिलेगी। 4K की बेनिफिट दोस्तों ये होता है कि जहां जितने हमें पिक्सल्स की रिक्वायरमेंट है ये उतनी ही जनरेट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको डिटेलिंग में इसके अंदर आपको कंटेंट मिल जाएगा, यानी कि डिटेलिंग में आप अपनी वीडियो देख सकते हैं, इसके अंदर जो कंटेंट रहेगा डिटेलिंग में आपको मिलेगा। कलर डिटेलिंग आप देख सकते हैं कि 4K LED टीवी की क्वालिटी आ जाएगी, और जो ये क्रिस्टल UHD रहेगा वो लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वालिटी रहेगी दोस्तों, जिसकी क्वालिटी कलर कंट्रास्ट काफी प्रीमियम देखने के लिए मिलेंगे आपको इस टीवी के अंदर। इसमें साउंड की तो इसमें आपको 20 वॉट के स्पीकर भी मिल जाएंगे जिसमें आपको साउंड क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाएगी। साथ में दोस्तों इसमें एक आपको फीचर और अच्छा मिल जाएगा, इसमें आपको घोस्ट इमेजेस नहीं मिलेंगे जो कि स्मूथ मोशन के साथ में रहेगा, क्लियर एकदम आपको पिक्चर मिल जाएगी। और साथ में हम देखते हैं तो ये है दोस्तों टीवी आपका ब्रेजललेस टीवी जो कि स्लिम टीवी रहेगा। आप साइड से इस टीवी को देखते हैं तो बिल्कुल स्लिम टीवी रहेगा दोस्तों ये वाला। साथ में हम देखते हैं तो फ्री टू एयर की हमने बात करी ली कि इसके अंदर आपको ढेर सारे आपको इसके अंदर चैनल मिल जाएंगे जो कि फ्री टू एयर चैनल रहेंगे, जिसकी आपको कोई अलग से कॉस्टिंग नहीं देनी पड़ेगी। साथ में हम देखते हैं तो इसमें आपको 4 HDMI कनेक्टिविटी मिल जाएगी, एक USB कनेक्टिविटी मिल जाएगी। USB के थ्रू आप कोई मल्टी फॉर्मेट अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो आप मल्टी फॉर्मेट भी इस टीवी के अंदर प्ले कर सकते हैं। साथ में ये टीवी HDR टेक्नोलॉजी के साथ में रहेगा, यानी कि आपको डीपली यानी कि डार्केस्ट को डार्केस्ट, ब्राइट को ब्राइट ही दिखाएगा, यानी कि आपको बिल्कुल जो एक्यूरेट पिक्चर क्वालिटी रहेगी नेचुरल वो आपको मिल जाएगी इस टीवी के अंदर। दोस्तों ये था सैमसंग का LED टीवी जो कि 55 इंचीज के अंदर था, सेम आपको 50 इंचीज के अंदर मिल जाएगा, सेम आपको 43 के अंदर भी मिल जाएगा। तीनों के अंदर आपको सेम फीचर्स मिल जाएंगे, तीनों आपको ब्रेजललेस मिल जाएंगे। कलर डिटेलिंग दोस्तों आप देख सकते हैं सेम आपको मिलेगी तीनों के अंदर, जो कि डीपली डिटेलिंग के अंदर आप इस टीवी को देख सकते हैं जिसमें पिक्चर क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम मिल जाएगी। ये टीवी स्मार्ट टाइजिन वर्जन के अंदर आते हैं, यानी कि जो सैमसंग के टीवी होते हैं ये टाइजिन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होते हैं, ऑपरेटिंग जो इनका रहता है वो टाइजिन वर्जन रहता है, जो कि हैंगिंग की इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और ये इजी टू ऑपरेट होता है, इजी टू यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग की, तो अभी फिलहाल जो इसका दोस्तों प्राइस मिलेगा आपको 49,500 इसका दोस्तों आपको प्राइस मिलेगा। और अगर कोई आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो क्रेडिट कार्ड पर आपको अप टू 10% का इंस्टेंट कैशबैक भी रहेगा, और आपको ईजी EMI भी आप इस दोस्तों इसमें आप अवेल करा सकते हैं। आप इसमें 3 महीने, 6, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने तक आप इसमें EMI भी आप करवा सकते हैं, जो कि इंटरेस्ट फ्री EMI भी रहेंगी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों एक छोटी सी हेल्प ज़रूर कर सकते हैं मेरी आप इस वीडियो को देखने के बाद। आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अप्लायंसेज से जुड़ी हुई जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।